श्रीकाल आदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंशु जैन कतरडे से और आप सुन रहे हैं खास खबर। जी हां, खास खबर में होती है मेरी आपसे मुलाकात हर हफ्ते दो बार, दैट इज एवरी संडे एंड वेंसडे, जहां पर मैं आप तक पहुंचाती हूं कुछ खास खबरें, लेटेस्ट अपडेट्स एंड थोड़ा सा मोटिवेशन। जी हां, करते हैं आज के अपने इस एपिसोड की शुरुआत कोविड के अपडेट के साथ। जी हां, आज के हिसाब से नए केसेस जो कतर में आए हैं दैट इज 297 एंड रिकवरी जो हुई है पिछले 24 घंटों में वो हुई है 271 रिकवरीज। इसके साथ ही इन सारे डेटाज और आंकड़ों को मद्देनजर रखते हुए आज तक कुल मिला के एक्टिव केसेस हैं आज के हिसाब से कतर में 3054, दैट इज 3054। वेल, इसके साथ ही हम आपसे शुरू में ही अपील करना चाहेंगे कि अपनी सेफ्टी, अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखें, जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको फॉलो करना ना भूलें, अपने साथ अपने आसपास के लोगों का भी खास ख्याल रखें। एक बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ जो कि प्रोवाइड किया गया है कतर एयरवेज के द्वारा। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहां से ट्रैवल करने के पहले आपके लिए कंपलसरी है कि आप अपना कोविड-19 का टेस्ट कराएं, नेगेटिव होने का सर्टिफिकेट प्रूफ करें, प्रेजेंट करें, उसके बाद ही आपको बोर्ड करने की या चेक इन करने की परमिशन दी जाएगी। डिटेल में इस न्यूज पे नजर डालते हैं, देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ऐसे कौन से एयरपोर्ट्स हैं जिनको कतर एयरवेज ने मैंडेट किया है सर्टिफिकेट, नेगेटिव सर्टिफिकेट प्रेजेंट करने के लिए। कतर एयरवेज ने यह कहा है कि अगस्त 13 से जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं कुछ चंद कंट्रीज से, उनको फ्लाइट बोर्ड करने के पहले अपने कोविड-19 का PCR टेस्ट कराना होगा और उसके नेगेटिव होने का प्रूफ प्रेजेंट करना होगा, सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना होगा, उसके बाद ही वो फ्लाइट में बोर्ड कर पाएंगे या चेक इन के अपना प्रोसेस पूरा कर पाएंगे। ये कौन सी कंट्रीज है? बांग्लादेश, ब्राजील, ईरान, इराक, पाकिस्तान, फिलीपींस एंड श्रीलंका। इन सभी कंट्रीज में कतर एयरवेज के द्वारा ऑथराइज्ड कोविड-19 के टेस्टिंग सेंटर्स हैं, जहां पर जाकर आपको PCR मेडिकल टेस्ट कराना है, अपने नेगेटिव कोविड-19 नेगेटिव होने का सर्टिफिकेट साथ लेकर आना है, उसके बाद ही आपको चेक इन करने का प्रोसेस दिया जाएगा अलोंग विद द कंसेंट फॉर्म। इसके साथ ही ऐसी और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे कतर एयरवेज अपने ऑपरेशंस को रिज्यूम करने वाली है, दैट इंक्लूड्स इंडिया, नेपाल, नाइजेरिया एंड रशिया। तो इन सभी कंट्रीज में भी ऑपरेशंस रिज्यूम होने के बाद जो कतर एयरवेज के द्वारा ऑथराइज्ड कोविड-19 के टेस्टिंग सेंटर्स हैं, आपको वहां जाना होगा, नेगेटिव होने का टेस्ट का रिजल्ट लेकर आना होगा, सर्टिफिकेट लेके आना होगा, उसके बाद ही आप फ्लाइट जो है वो बोर्ड कर पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन कौन से सेंटर्स हैं जहां पर आप जाके टेस्ट करा सकते हैं, तो ये सेशन ओवर होने के बाद मैं कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में लिंक पोस्ट करूंगी, जिस लिंक पे आप जाकर देख सकते हैं कि उन रेस्पेक्टिव कंट्रीज में कौन से सेंटर्स हैं जहां पर जाकर आपको टेस्ट कराना होगा। इसके साथ ही इस बात का आपको खास ख्याल रखना होगा कि जो आप कोविड-19 का अपना टेस्ट करा रहे हैं, आपको ट्रैवल टाइम के 72 आवर्स के विद इन वो टेस्ट कराना होगा। अगर आपने टेस्ट पहले कराया है या बाद में कराया है तो ये मान्य नहीं होगा। पहले इन द सेंस विद इन योर 72 आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग टाइम आपको ये टेस्ट कराना होगा और उसका सर्टिफिकेट आपको प्रेजेंट करना होगा। इसके साथ ही ये जो टेस्ट का एक्सपेंडिचर होगा ये आप खुद बेयर करेंगे, इसका पैसा कतर एयरवेज आपको पे नहीं करेगी। इसके साथ ही जो बच्चे 12 साल से कम के उम्र के हैं उनको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, बशर्ते ये कंपलसरी है कि उनके साथ जो पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं उनके पास नेगेटिव कोविड-19 होने का टेस्ट होना जरूरी है, उसके बिना बच्चों को भी ट्रैवल करने दिया नहीं जाएगा। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि काफी सारी कंट्रीज से लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया और काफी सारे सवाल है जो हमसे पूछे भी जा रहे थे कि अगर हम इस कंट्री से आ रहे हैं, अगर हम एक पर्टिकुलर कंट्री से आ रहे हैं, तो क्या हमको अब कोविड-19 का टेस्ट कराना है? तो जी हाँ, कतर एयरवेज, मैं एम्फोसाइज करना चाहूंगा, ये कतर पोर्टल के द्वारा नहीं है, ये कतर एयरवेज के द्वारा है। अगर आप कतर एयरवेज इस एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ कंट्रीज में ऑथराइज्ड कतर एयरवेज के सेंटर्स हैं जहां पर जाके आपको कोविड-19 के टेस्ट कराने होंगे। आगे जाकर और भी सेंटर्स हमारे सामने आएंगे जिनकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे और वहां पर जाकर आपको सर्टिफिकेट लेना है, उसके बाद ही आप कतर एयरवेज से ट्रैवल कर सकते हैं। अब अगला सवाल जो हम तक काफी पहुंचा है इन दिनों वो ये है कि अगर पैंडेमिक के दौर में आपका RP एक्सपायर हो गया है और अगर आप कंट्री के बाहर हैं और आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आपको कोई फीस लगेगी रिन्यू करने की, या आप क्या ट्रैवल कर पाएंगे? तो इस बात पे MOI ने ट्वीट किया है। वो ट्वीट क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद मैं एग्जैक्ट मीनिंग भी आपको उसका समझाने वाली हूँ। MOI ने ये ट्वीट किया है दैट रेसिडेंट्स हु आर आउटसाइड द कंट्री ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फीस रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ देयर रेसिडेंस परमिट्स और फॉर एक्सीडिंग 6 months स्टे आउटसाइड द कंट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अनाउंस्ड इन अ ट्वीट। वेल, तो ये बात साफ साफ पर क्लियर हो चुकी है कि अगर आप पैंडेमिक शुरू होने के कारण उसके बाद आप कतर से बाहर फंसे हुए हैं और कतर से आप
कतर वापस लौट नहीं पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आपकी उस ड्यूरेशन में आईडी एक्सपायर हो गई है तो आप कतर वापस आ सकते हैं और आपको आईडी को रिन्यू कराने का कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन होने के बाद आपकी आईडी एक्सपायर हुई है और लॉकडाउन होने की वजह से आप कतर वापस नहीं आ पा रहे थे। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर आपने कतर से बाहर ट्रैवल किया है लॉकडाउन होने के पहले और उस ड्यूरेशन में अगर आपकी आईडी एक्सपायर हुई है और उस ड्यूरेशन में जब आप वापस आ सकते थे उसके बाद आपको 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं तो इस ड्यूरेशन में ये जो एग्जेम्पशन है ये आपके लिए लागू नहीं होता। ये सिर्फ उन्हीं के लिए फैसिलिटी है जो लॉकडाउन के कारण कतर से बाहर फंसे हुए हैं और इस दौरान इस ड्यूरेशन में उनकी आईडी एक्सपायर हो चुकी है जिसके कारण वो रिन्यू नहीं करा पाए क्योंकि वो लॉकडाउन की वजह से कतर वापस नहीं आ पाए। इसके साथ ही अगर आपका स्टे लॉकडाउन में बाहर रहने के कारण 6 महीने से ज्यादा हुआ है और आपकी आईडी एक्सपायर हो गई है तो इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी एक्स्ट्रा फी पे नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद भी 6 महीने का ड्यूरेशन होने के बाद भी आपको कतर में वापस आने की परमिशन दी जाए। लेकिन ये कोई भी रूल उन लोगों के लिए लागू नहीं होता जिनकी आईडी एक्सपायर हुई है लॉकडाउन होने के पहले या आपको 6 महीने का ड्यूरेशन हो चुका है लॉकडाउन से पहले। तो ये भी क्वेरी है जो आज हमने आपकी सॉर्ट की है। इसके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। हम सभी जानते हैं कि COVID-19 का जो टेस्ट है अगर आपको किसी भी तरह के सिम्टम्स लग रहे हैं तो ये कंपलसरी है कि हम जाएं और सबसे पहले आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है तो वो दूर कर सके। हमने देखा है कि काफी सारे प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स में अगर आप कोविड का टेस्ट कराने जाते हैं तो आपको 500 रियाल्स पे करना होता है और वो पे करने के बाद जाकर आप अपना टेस्ट करा सकते हैं, अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पास कतर में हेल्थ कार्ड है या चाहे नहीं भी है, नहीं वाले केसेस के बारे में मैं बाद में बात करूंगी, फिलहाल मैं उन लोगों के बारे में बात करने वाली हूं जिनके पास कतर में हेल्थ कार्ड है। और आज का हमारा ये जो सेशन होगा ये हेल्थ कार्ड पे एक्सक्लूसिव होने वाला है क्योंकि काफी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको हेल्थ कार्ड के बारे में आज यहां पर प्रोवाइड करने वाली हूं। हेल्थ कार्ड नंबर वन उन लोगों के लिए है जिनके पास कतर का रेसिडेंस परमिट या कतर आईडी है। तो अगर आपके पास रेसिडेंस परमिट है या आपके पास कतर आईडी है तो आप बिल्कुल हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और कार्ड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं हम इस पे भी आज डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे COVID-19 के PCR टेस्ट के साथ। तो अगर आपके पास कतर में हेल्थ कार्ड है तो आप कुछ रजिस्टर्ड सेंटर्स हैं जहां पे जिनके बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूं, वहां पर जाकर आप COVID-19 का PCR टेस्ट पूरी तरह से बिल्कुल मुफ्त में, दैट इज फ्री में करा सकते हैं। आपको एक भी रुपए या रियाज नहीं पे करने पड़ेंगे अपना टेस्ट कराने के लिए। तो कोई भी है जो COVID-19 से इन्फेक्टेड है, हम जानते हैं कि दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो COVID-19 से ऑलरेडी अफेक्टेड हो चुके हैं और उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर आपको लगता है कि आप छोटे हैं, बड़े हैं, आप फिट हैं, नहीं हैं और आपके दिमाग में किसी भी तरह का अपने हेल्थ को लेकर सिम्टम है तो प्लीज अपना टेस्ट कराना ना भूलें। और ये खास अपील आई है आपके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड कतार की तरफ से, जिन्होंने अर्ज किया है कि अगर आपके अंदर माइनर सिम्टम भी COVID-19 का आपको नजर आ रहा है तो इमीजिएटली आप जाएं और आप अपना टेस्ट कराएं कुन रजिस्टर्ड सेंटर्स पर, या इसके अलावा आप MOPH के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, दैट इज 16,000। हेल्पलाइन नंबर है 16,000। इस नंबर पर आप कॉल करें और आप किसी भी अप्रूव टेस्टिंग सेंटर्स में जाकर अपना टेस्ट करा सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या है? इसके पहले सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर COVID-19 का PCR टेस्ट होता क्या है। तो हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन ने यह अंडरलाइन किया है दैट पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्ट, दैट इज PCR टेस्ट, ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट है जो डिटरमिन करता है कि क्या एक इंडिविजुअल COVID-19 से इन्फेक्टेड है या नहीं। ठीक, अब इसके साथ अगर हम आगे बढ़े तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट होता है जो कि कैरी आउट किया जाता है एक स्वॉब के थ्रू जो कंडक्ट होता है आपके बैक ऑफ द नोज में एंड थ्रोट में, जो एक्यूरेटली आपको बताता है कि क्या आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं है। COVID-19 का जो PCR टेस्ट है ये डायरेक्टली डिटेक्ट करता है ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीजन। ये टेस्ट आपको क्लियरली बताएगा पॉजिटिव या नेगेटिव होने के सिम्टम्स। अगर आप कतर में रहते हैं और अगर आपके पास एक वैलिड कतर आईडी है तो आप एलिजिबल हैं कि आप एक हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई कर सकें। और अगर आपके पास हेल्थ कार्ड है तो उस हेल्थ कार्ड को यूज करके आप COVID-19 का PCR टेस्ट बिल्कुल फ्री में करा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वो तकरीबन 500 रियाज आपको चार्ज करती हैं इनकम्प्लीट टेस्ट के लिए। ये किसी भी तरह का फीस देने से आप बच सकते हैं अगर आपके पास हेल्थ कार्ड है या आपके पास नहीं भी है। अब ये देखना है कि ऐसे कौन से 4 मेन टेस्टिंग सेंटर्स हैं जहां पर फिलहाल COVID-19 के टेस्ट फ्री पे किए जा रहे हैं फॉर ऑल दी हेल्थ कार्ड होल्डर्स। तो अगर आपके पास हेल्थ कार्ड है तो ये 4 टेस्टिंग सेंटर्स हैं जहां पर आप जाकर अपना टेस्ट करा सकते हैं, दैट इज मोइदर हेल्थ सेंटर, रबदत हेल्थ सेंटर, सलाल हेल्थ सेंटर एंड अल गराफा हेल्थ सेंटर।
इन चार सेंटर्स में जाकर आप अपना टेस्ट बिल्कुल फ्री में करा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अब हम इस बात पे आते हैं कि अगर आपके पास कतर आईडी नहीं है, अगर आपके पास कतर आईडी नहीं है, आप विजिट वीजा में हैं, आप ट्रैवलर हैं, विजिटर हैं, आप सिंगल मेल हैं, इन दैट केस फॉर ऑल द पीपल हु आर जो सिंगल मेल है उनके लिए आपको जाना होगा हेल्प सेंटर नंबर 21, जो कि हेल्थ सेंटर है वर्कर्स के लिए, जिसका नाम है फरीज अब्दुल अजीज हेल्थ सेंटर। इस हेल्थ सेंटर में जाकर आप अपना COVID-19 का टेस्ट करा सकते हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अगर आपके पास वैलिड कतर आईडी नहीं है तो इसके बावजूद आपको एक भी रियाल वहां जाकर नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आप सिंगल फीमेल हैं तो जिन चार रजिस्टर्ड सेंटर्स का अभी हमने आपको जिक्र किया, आपके पास कतर आईडी ना होने के बावजूद आप वहां पर जाकर अपना टेस्ट करा सकते हैं। दैट इज मुआइदर हेल्थ सेंटर, रबदत अल हेल्थ सेंटर, सलाल हेल्थ सेंटर, अल गराफा हेल्थ सेंटर। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके एक साल से छोटे बच्चे के अंदर कोई सिम्टम है, किसी भी तरह के COVID-19 की आपको परेशानी नजर आ रही है, तो आप अल साद पीडियाट्रिक इमरजेंसी सेंटर में जाकर एक साल से छोटे बच्चों का टेस्ट करा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 12 साल से कम है और आपके पास कोई कतर आईडी नहीं है या आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं है, इन दैट कंडीशन छोटे बच्चों के लिए, 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, जिन चार सेंटर्स का हमने नाम बताया, उन सेंटर्स में जाकर आप टेस्ट करा सकते हैं और आपको एक भी रियाल नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इस बात में मैं आपको एक खास आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी एक पॉइंट पर, कि अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए COVID-19 नेगेटिव होने का और अगर आपके पास हेल्थ कार्ड है, इन दैट केस टेस्ट तो आपका फ्री में होगा, लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज आपको 50 रियाल्स पे करने होंगे सर्टिफिकेट लेने के लिए। और अगर आपके पास कतर आईडी नहीं है, आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं है और आप किसी भी गवर्नमेंट रन रजिस्टर्ड सेंटर्स, जिनका हमने अभी आपको नाम बताया, वहां जाकर आप टेस्ट कराने जा रहे हैं, तो इन दैट केस अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है COVID-19 नेगेटिव होने का, तो आपको पे करना पड़ेगा 156 रियाल्स। टेस्ट आपका फ्री में किया जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कतर आईडी नहीं है, इन दैट केस आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको 156 रियाल्स पे करना होगा। अब ये प्रोसेस पे नजर डालते हैं कि आपका जो COVID-19 का PCR टेस्ट है वो किस तरह गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स में कंडक्ट किया जाएगा। जैसे ही आप टेस्टिंग सेंटर में पहुंचते हैं तो मेडिकल स्टाफ जो है आपका वैलिड हेल्थ कार्ड चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपको पता होगा हेल्थ कार्ड में आपका हेल्थ कार्ड सेंटर का नंबर दिया जाता है। ये नंबर वो नंबर है जो आपका रजिस्टर्ड सेंटर है, मतलब जिस सेंटर पे जाकर PHCC के जिस सेंटर में जाकर अपना हेल्थ कार्ड आपने अप्लाई किया है, वो होता है आपका रजिस्टर्ड हेल्थ सेंटर। तो वहीं पर जाकर आपका ये COVID-19 का PCR टेस्ट होगा। लेट मी टेल यू क्लियरली, आप जहां वहां पर जाएंगे तब आपको डायरेक्ट किया जाएगा, आपको सबसे पहले जाना होगा आपके रजिस्टर्ड हेल्थ सेंटर पे। वहां पे जाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका COVID-19 का टेस्ट कहां होगा। तो जो भी स्टाफ है वो आपका चेक करेंगे हेल्थ कार्ड, हेल्थ कार्ड में आपका हेल्थ सेंटर का नंबर चेक किया जाएगा। नंबर चेक करने के बाद वो वहां से आपको डायरेक्ट करेंगे कि आपको किस हेल्थ केयर सेंटर में जाना है आपका COVID-19 का टेस्ट कराने के लिए। इसके साथ ही मेडिकल स्टाफ आपकी ये भी चेक, वहां पे चेकिंग की जाएगी कि आपको COVID-19 का टेस्ट रिक्वायर्ड है या नहीं है, PCR टेस्ट की आपको जरूरत है कि नहीं है। अगर एक बार ये कंफर्म होता है कि आपके लिए ये टेस्ट ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है, आपको कराना ही है, तो आपको एक आइसोलेशन रूम में डाला जाएगा जहां पर एक आपके लिए फोन उपलब्ध होगा, जहां पर जो भी कॉल इंस्ट्रक्शंस के लिए मेडिकल स्टाफ के द्वारा आप रिसीव करेंगे उनका आंसर आपको बिल्कुल करना होगा। इसके साथ ही उसके बाद एक डॉक्टर आपको असाइन किया जाएगा अलॉन्ग विद अ नर्स, जो आएंगे और आपका स्वाब टेस्ट कंडक्ट करेंगे। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और आपको सेल्फ आइसोलेशन में रहना होगा अपने घर पे, इन योर ओन स्पेस, वाइल वेटिंग फॉर योर रिजल्ट। आपको अपने रिजल्ट का इंतजार करना होगा जो मैक्सिमम 2 डेज के विदन आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही कुछ मेडिसिन हैं जो आपको प्रिस्क्राइब की जाएंगी, जिनका पेमेंट आपको करना होगा क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू। मिनिमल अमाउंट होगा, मैक्सिमम अराउंड 6 रियाल्स, डिपेंडिंग ऑन द प्रिस्क्राइब मेडिसिन, एंड द नर्स इज गोइंग टू परचेज दोज मेडिसिन फॉर यू यूजिंग योर कार्ड, विच विल बी रिटर्न टू यू देयर आफ्टर। अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव है, इन दैट केस आप अपना वर्क रिज्यूम कर सकते हैं, आप अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव है तो मेडिकल स्टाफ आपको फर्दर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपको घर से नहीं निकलना है, घर पे आइसोलेट होना है, आपको हॉस्पिटल में आना है। तो ये बेसिक प्रोसेस है, अगर आप COVID-19 का टेस्ट कराने जा रहे हैं, आपको बेसिक सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जो फॉलो किया जाएगा। अब उन लोगों के लिए जिनको ये नहीं पता है कतर आईडी होने के बावजूद कि आखिर हेल्थ कार्ड होता क्या है, तो मैं सबके साथ डिटेल में चर्चा करना चाहूंगी कि हेल्थ कार्ड आखिर है क्या, उसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आप उसको रिन्यू कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, फैसिलिटीज हैं जो आप अवेल कर सकते हैं अगर आपके पास हेल्थ कार्ड है तो।
तो जितने भी कतर के सिटीजन्स हैं या रेसिडेंट्स हैं, दैट मींस जिनके पास कतर आईडी है या जिनके पास रेसिडेंस परमिट है, वो हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं टू एक्सेस फॉर द सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय एनी ऑफ द पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज और हॉस्पिटल्स इन द कंट्री, राइट? सो हेल्थ कार्ड का जो साइज होता है, ये बिल्कुल आपके ड्राइविंग लाइसेंस की तरह नजर आता है. इसमें आपका आईडी नंबर होता है, आपकी नेशनैलिटी होती है, आपकी पिक्चर होती है और डेट जिस डेट पे आपका कार्ड इश्यू किया गया है. ये सारे बेसिक डिटेल्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं फॉर ऑल दी रेसिडेंट्स ऑफ कतार. नाउ हेल्थ कार्ड होने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? इट इज अ स्टेट इश्यूड हेल्थ कार्ड. इट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेस टू गवर्नमेंट रन हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स. तो हेल्थ कार्ड जो है, आपको काफी सब्सिडाइज्ड रेट्स में आप अपनी हेल्थ की जांच करा सकते हैं, आप हेल्थ केयर सर्विसेज को यूज कर सकते हैं और ये है कतर के सिटीजन्स और रेसिडेंट्स के लिए. आपके पास एक अप टू डेट हेल्थ कार्ड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मतलब जो रिन्यूड हो चुका है, जो एक्सपायर्ड नहीं है, ताकि आप हेल्थ केयर सर्विसेज को पूरी तरह से यूज कर सके, उनको अपना सके. इसके साथ ही अगर आपको जो मेडिसिन लेनी होगी वो गवर्नमेंट रन फार्मेसी से आपको एक सब्सिडाइज्ड रेट्स पे मिलेंगी अगर आपके पास एक अप टू डेट हेल्थ कार्ड है तो. इसके साथ ही अब ये हम देखते हैं कि आखिर हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई किया जाए. तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहले आपके घर के आसपास जो भी नियरेस्ट पीएचसीसी सेंटर है, आपको वहां पे जाना पड़ेगा. वहां पर जाके आप अपने हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगेंगे. अगर आप एक कतरी एडल्ट हैं तो आपको अपने पासपोर्ट की कॉपी लेके जानी होगी, अपना कतर आईडी लेके जाना होगा, एक पासपोर्ट साइज अपनी फोटो लेके जानी होगी 4x3 सेंटीमीटर्स की. अगर आप कतरी एडल्ट है तो आपको फीस लगेगी मात्र 50 रियाल. इफ यू आर अ कतरी चिल्ड्रन, आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, इसके साथ ही कतर पर्सनल आइडेंटिटी नंबर के साथ और अपने पासपोर्ट या तो अपने पासपोर्ट के साथ, इसके साथ ही पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ and vaccination card and a fee of 50 rial you will have to pay. If you are GCC National Adult Residents, तो आपको अपने पासपोर्ट की कॉपी, अपनी आईडी लेकर जानी होगी, अपना कतर पर्सनल आइडेंटिटी नंबर लेके जाना होगा, एक पासपोर्ट साइज की फोटो लेके जानी होगी, आपको अपना ओल्ड हेल्थ कार्ड अगर आप रिन्यू कराने जा रहे हैं तो आपको वो लेके जाना होगा और आपको फीस लगेगी 50 रियाल्स. इफ यू आर जीसीसी नेशनल चाइल्ड रेसिडेंट, इन दैट केस आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट विथ कतर पर्सनल आइडेंटिटी नंबर, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वैक्सीनेशन कार्ड विच विल बी इश्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर व्हेन द चिल्ड्रन आर बॉर्न, और आपका कोई ओल्ड हेल्थ कार्ड है अगर आप रिन्यू के लिए जा रहे हैं, तो ये सब आपको साथ में लेकर जाना होगा और आपको यहां पर फीस लगेगी मात्र 50 रियाल. इफ यू आर एडल्ट रेसिडेंट, आपको अपना वैलिड क्यू आई डी या पासपोर्ट लेके जाना होगा विथ वैलिड रेसिडेंस परमिट, अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, लेकिन आपको यहां पर फीस लगेगी कतर रियाल 100 की. बच्चे, आपको अपना पासपोर्ट लेके जाना होगा विथ वैलिड रेसिडेंस परमिट, एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, वैक्सीनेशन कार्ड अगेन जो आपको इश्यू किया गया था व्हेन यू वर बॉर्न, एंड अ फीस ऑफ कतर रियाल 100. अगर आप डोमेस्टिक स्टाफ हैं तो आपको अपना वैलिड पासपोर्ट लेके जाना होगा, वैलिड रेसिडेंस परमिट लेके जाना होगा, एक पासपोर्ट साइज की फोटो लेके जानी होगी, आपको अपनी ओरिजिनल कतर आईडी लेके जानी होगी स्पॉन्सर की. इसके साथ ही आपको फीस पे करनी होगी कतर रियाल 50 एज फॉर प्रोफेशंस अप्रूव बाय एमओआई फॉर पर्सनल स्पॉन्सरशिप्स. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना पड़ेगा. इसके साथ ही सभी के लिए मान्य है कि दैट यू हैव टू टेक अ कॉपी ऑफ अ यूटिलिटी बिल, मे बी फोन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, दिस प्रूव्स वेर यू लिव. ये आपके रहने का, आपके रेसिडेंस का प्रूफ शो करता है. और अगर आपको इसमें कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप हमद हेल्थ कार्ड के एप्लीकेशन प्रोसेस में हमारे लिंक पे जाकर देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत जल्द मिलेगा और आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि किस तरह से आपको अपने हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई करना है. पेमेंट करने के दौरान ये खास ख्याल रखें कि पेमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड के थ्रू होगा, कैश एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. एंड द हेल्थ सेंटर विल एदर इश्यू यू विथ योर कार्ड इमीडिएटली और आस्क यू टू रिटर्न विद इन अ फ्यू डेज टू कलेक्ट इट. एंड हेल्थ कार्ड आर इश्यूड ड्यूरिंग मॉर्निंग वर्किंग आवर्स ओनली. हेल्थ कार्ड जो है ये सुबह वर्किंग आवर्स के दौरान ही इश्यू किए जाते हैं. तो आपको सुबह सुबह जाना होगा, आपको विजिट करना होगा अपना नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन, जो भी सेंटर आपके आसपास है, और वहां पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं. एक बार आपको हेल्थ कार्ड मिलता है उसके बाद आपको रजिस्टर करना होगा माई हेल्थ पेशेंट पोर्टल पे, जहां पर जाके आप COVID-19 के PCR टेस्ट को रिजल्ट या उसको इजिली आप ट्रैक कर सकते हैं और आपके जो दूसरे हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं आप इजिली एक साथ पूरी जगह देख सकते हैं माई हेल्थ पेशेंट पोर्टल में विजिट करके. डजेंट मैटर कि आपका टेस्ट PHCC में हो या हमद में आप किसी जांच के लिए गए हो, आपका जो पूरा हेल्थ रिकॉर्ड है वो आप माई हेल्थ पेशेंट पोर्टल में जाकर एक साथ पुराना हिस्ट्री लेटेस्ट सब कुछ आप चेक किया जा सकता है. तो ये डिटेल था
कुछ अबाउट हमद मेडिकल कार्ड या जो हेल्थ कार्ड है, इसके साथ ही आपको अगर COVID-19 का टेस्ट कराना है तो आपको क्या करना है और आपको कैसे करना होगा। अब कई लोगों को ये डाउट है कि आप हेल्थ कार्ड अपना रिन्यू कैसे कर सकते हैं, तो आप हेल्थ कार्ड जो है वो ऑनलाइन भी रिन्यू कर सकते हैं, और अगर आपका लॉस हो गया है, कार्ड घूम गया है किसी सिचुएशन में, आपको रिन्यू करना है या फिर से लाना है, तो आप ऑनलाइन इसका रिन्यूअल कर सकते हैं। डिपेंड करता है, आपको रिन्यू में प्रेस करना होगा अगर आपको एक्सपायर हो चुका है आपका कार्ड और आपको रिन्यू करना है, और अगर आपका कार्ड घूम गया है तो आपको रिप्रिंट करना होगा, रिप्रिंट करके आपको एक बार फिर से नया कार्ड मिल सकता है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स। आप उसके साथ ही आप कतर डे की वेबसाइट पर विजिट करके इसमें आप पूरा डिटेल लेकर आ सकते हैं कि आपको अपना हेल्थ कार्ड अगर रिन्यू करना है या नया कार्ड लेना है तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो आप बिल्कुल जाइए, आपके पास हेल्थ कार्ड है, हेल्थ कार्ड नहीं है, आप अपना COVID-19 का टेस्ट किसी भी सिचुएशन में जाकर करा सकते हैं। द प्रोसेस हैज बिकम वेरी इजी फॉर यू। अब PHCC ने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें दी है फॉर द पीपल हु स्मोक। PHCC ने ये वार्न किया है ऑफ द डेंजर्स ऑफ स्मोकिंग ड्यूरिंग COVID-19। जी हाँ, PHCC ने ये क्वेश्चन किया है कि स्मोकिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, खास तौर पर COVID-19 के पैंडेमिक के एरा में टाइम पे। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दैट स्मोकिंग इज एनी वे इंजूरियस टू अवर हेल्थ, लेकिन अगर हम COVID-19 के पर्सपेक्टिव में बात करें तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। जब भी हम स्मोकिंग की बात करते हैं, हम मीन करते हैं किसी भी तरह के टोबैको के यूज से। काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या स्मोकिंग का कोई लेना देना है विद द स्प्रेड ऑफ COVID-19, क्या इसका कोई एसोसिएशन है विद द कॉम्प्लिकेशंस और सिवियरिटी ऑफ दिस डिसीज, या रिकवरी से इसका कोई लेना देना है, क्या इसका कोई लेना देना है शीशा से या किसी भी तरह के स्मोक के फॉर्म से। जी हाँ, स्मोकिंग का इन सभी फैक्टर्स से, इन सभी तत्वों से बहुत ही ज्यादा लेना देना है। और यस, अगर आप स्मोक करते हैं तो COVID-19 का जो केस है, बाय चांस अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो आपकी रिकवरी का प्रोसेस और भी डिले हो सकता है और आपके लिए काफी ज्यादा इंजूरियस हो सकता है। और ये क्यों होता है? अगर हम शीशा की बात करें तो हम जैसे भी जानते हैं कि जब आप कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली इसका ट्रांसमिशन का प्रोसेस और बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द स्मोक। एट द सेम टाइम इट इज शेयर बिटवीन मल्टीपल पीपल्स। तो जब आप शेयर करते हैं उस ट्यूब को, ओरल पीस जो है वो शीशा का, वो ट्रांसमिशन के लिए और भी ज्यादा, ये ट्रांसमिशन का प्रोसेस इजी करता है जो डिसीज को और भी ज्यादा इन्फेक्शियस बनाता है। इसके साथ ही शीशा के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है, द ट्यूब माइट प्रोवाइड अ फर्टाइल एनवायरमेंट फॉर द जर्म्स टू स्टे आउटसाइड एंड द बॉडी आउटसाइड द बॉडी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो जो ह्यूमिडिटी होती है शीशा के अंदर, वो क्या करती है कि जो जर्म्स जो है वो बॉडी के बाहर और भी उस ह्यूमिडिटी के कारण लंबे समय तक रहते हैं, लंबे वक्त पर रहते हैं। तो अगर आप शीशा ले रहे हैं इस वक्त तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंजोरियस हो सकता है। हम आपको ये खास तौर पर अपील करना चाहेंगे कि किसी भी तरह के स्मोक से बचें, एंड स्मोकिंग अगर आप क्विट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए और भी बेटर फेस होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्मोकिंग का जो डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, इफेक्ट होता है, वो आपके लंग्स पर होता है, लंग्स आपकी वीक होती है। ऐसे समय में अगर COVID-19 के कोई भी सिम्टम्स अगर आपकी बॉडी में होते हैं तो लंग्स वीक होने के कारण आपको रिकवर होने का प्रोसेस जो है आपके लिए और डिले हो सकता है, और भी कठिन हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। इसलिए COVID-19 के इस दौर में PHCC ने खास तौर पे सबसे अपील की है कि स्मोकिंग को पूरी तरह से अवॉइड किया जाए, या आप क्विट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट फेस है। चाहे आप शीशा ले रहे हो, चाहे आप टोबैको का कोई भी फॉर्म कंज्यूम कर रहे हो, या आप स्मोक कर रहे हो, इन सभी का रिलेशन एक ही चीज से है कि आपकी रिकवरी का जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज्यादा स्लो कर सकता है। इसलिए किसी भी तरह के टोबैको के कंजम्पशन से फिलहाल बचने की कोशिश करें। अब एक कतर के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, दैट मिनिस्ट्री हैज ओपन द फर्स्ट टेक्निकल हाई स्कूल फॉर गर्ल्स। जी हाँ, गर्ल्स के लिए पहली टेक्निकल स्कूल खुली है। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ने पहला टेक्निकल हाई स्कूल खोला है गर्ल्स के लिए, जो कि खुलने जा रहा है सितंबर से। लेकिन कौन लोग हैं जो इस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जिन बच्चों का जन्म कतर में हुआ है, या वाया कतरी मदर्स के थ्रू हुआ है, या जो कतरी सिटीजन है, ये जो फैसिलिटी है, ये जो स्कूल है, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है। इस स्कूल के जो एडमिशन्स का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। टेक्निकल हाई स्कूल जो है, बिल्कुल वो विमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की एक फैसिलिटी है जो कि कतर गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है, ताकि मेल जेंडर के साथ इक्वली विमेन कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ सके, टेक्निकल स्टडीज में, एजुकेशन में वो पूरी तरह से आगे बढ़ सके। सो वी विश ऑल द गर्ल्स ऑल द वेरी बेस्ट, एंड वी होप कि आप सभी स्टे रहें, सेफ रहें। इन ऐसे सभी अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग कतरी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज कतरी.com, एंड विजिट आवर वेबसाइट दैट इज कतरी.com। थैंक यू।